अगर आपके पास आईफोन है तो आपको इस तरीके का एक मैसेज आ गया होगा कि नया सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया है, और नया फ़ोन लॉन्च होते ही उसके जल्द ही बाद नया सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाता है। मेरे जैसे इंसान को बड़ा शक रहता है इसको लेकर, लेकिन मेरे साथ मुंजिर हैं जो कि इंडिया टुडे आज तक टेक से हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या ये iOS जो नया अपडेट आया है इसको डाउनलोड करें, और करें तो इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान। हाँ, दोनों चीज़ें हैं, फ़ायदा जिससे होता है उससे नुकसान भी होता है। नहीं, हाँ मोस्टली मैंने ऐसा फेस किया है लाइफ में, जिस चीज़ से फ़ायदा उससे नुकसान भी इक्वल। कच्ची हल्दी से नहीं होता। सो करना चाहिए, मतलब मैं तो बोलूँगा कि अगर आपके पास 8 से ऊपर के फ़ोन हैं, 10 है, 10R है, 11, 12, 13 जो भी हैं, 14 तो अभी आया नहीं है, तो आप कर सकते हैं। थोड़ा बल्कि अपडेट है, 2-2.5 GB का है शायद, और 1-2 घंटे लग जाएंगे। उसको वाईफाई पे ही करें क्योंकि डेटा ख़त्म हो जाएगा जल्दी, या फिर डेटा पे स्लो होगा, बीच में स्टक हो जाएगा, टाइम लगेगा, करना चाहिए। और कई सारे नए फीचर्स हैं, 3-4 तो बहुत शानदार फीचर्स हैं जिसे यूज़ करके मज़ा आ गया मुझे। पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मुंजिर एक फ़ैन बॉय नहीं है आईफोन के, तो आप ये ना सोचिएगा कि उनको बहुत पसंद है आईफोन इसलिए वो उसकी बढ़ाई। iOS मुझे पसंद है, iOS आई लाइक iOS बहुत ज़्यादा। सो एक सबसे बड़ा फीचर तो लॉक स्क्रीन का फीचर है, जो पता नहीं आप शायद देख पा रहे होंगे, ये लॉक स्क्रीन पे क्या है ना, ये विजिट ऐड कर दिए गए हैं और कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शन दे दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, हाँ क्योंकि कस्टमाइजेशन, और आपका फ़ोन भी आ रहा है वैसे। सो आप क्लॉक को, क्लॉक का जो आप फॉन्ट है, क्लॉक का फॉन्ट चेंज कर सकते हो, और हाँ ये बहुत डिफरेंट है। और इसके बाद ये विजेट्स हैं, तो विजेट्स में आप कई सारे विजेट्स हैं वो ऐड, वेदर का विजेट्स, टेम्परेचर का विजेट, या फिर ईयरफोन्स का विजेट। ये एंड्रॉयड में होता था पहले, और अभी भी एंड्रॉयड में होता है, बट ये लेकर के आए तो बताना पड़ेगा। हालांकि नहीं, ये वाला विजेट दूसरा है, इसमें मेरा वेदर है, हाँ ये फोटो भी है। ये विजेट आप होम स्क्रीन पे, लॉक स्क्रीन पे ऐड नहीं होगा, नहीं दिखाइए लॉक स्क्रीन, लॉक नहीं, वो साइड में स्क्रॉल करना पड़ता, साइड में करना पड़ता है। हाँ तो मुझे स्लाइड करना पड़ेगा एक तरफ, मुझे स्लाइड नहीं करना पड़ेगा, लॉक स्क्रीन पे आ गया वो विजेट पहले से थे, बट अब लॉक स्क्रीन पे आप जाकर के कस्टमाइज का ऑप्शन प्रेस करेंगे। पहले तो आपको एक्सेस देना होगा, बिकॉज मैंने वो अर्थ का कर रखा है, तो अर्थ के जो इसमें है ना, तो लाइव दिखता है कि कहाँ पे सुबह हो रही है, कहाँ शाम हो रही है, डिटेलिंग पूरी है। और यहाँ से आप बहुत सारे विजेट्स अपने क्लॉक कर सकते हैं, वेदर कर सकते हैं, फॉरकास्ट कर सकते हैं, या फिर रिमाइंडर्स वगैरह लगा सकते हैं। इनफैक्ट न्यूज़ का भी एक है, न्यूज़ का करेंगे तो यहीं पे न्यूज़ फ्लैश होती रहेगी लॉक स्क्रीन पे। और एक दूसरा फीचर और है, जैसे कि कोई भी आपने फ़ोटो क्लिक करी है, किसी की फ़ोटो क्लिक करी है, तो उसे आप पिंच करके उस फोटो को विदाउट बैकग्राउंड उठा करके कहीं भी भेज सकते हो। Without background. Without मतलब सिर्फ उस शख्स की कट होकर के अपने आप आ जाए, उस कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ लॉन्ग प्रेस करना होगा और उसे शेयर कर देना होगा, और बैकग्राउंड खत्म हो जाएगा, सिर्फ वो ही दिखेगा, बैकग्राउंड पूरा इरेज हो जाएगा। और ये तो बढ़िया, और वो वहाँ से सिर्फ ड्रैग करके आप सीधा व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो, ड्रैग करके फेसबुक, जहाँ आपकी मर्जी आप वहाँ कर सकते हो। तो वो एक फीचर काफ़ी यूनिक और मुझे अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात है कि ये फीचर दिया इन्होंने और काम करता है, फुल प्रूफ है ये। मैंने ट्राई किया काफ़ी फोटोज़ को, काफ़ी ट्रिकी फोटोज़ को भी ट्राई किया, बट इजीली हो जाता है। तो हम फिर फोन पे ही थंबनेल बना लेंगे अपना। हाँ बिल्कुल है? बहुत लोग ऐसा कर भी रहे हैं, और ये तो बहुत ही कन्वीनियंट है, एक तरह से फोटोशॉपिंग करने में आसानी, आपको कोई थंबनेल बनाने हैं तो उसमें आसानी, बहुत 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 इजी है, बहुत इजी है वो। दूसरी चीज एक है कि पहले जो था बैटरी का परसेंटेज जो था ना, वो खत्म कर दिया था इन्होंने, ठीक है, वो बहुत बीच में हंगामा मचा था कि बैटरी परसेंटेज वापस लाइए, तो बैटरी परसेंटेज वापस आ चुका है और अब आप बैटरी परसेंटेज देख पाएंगे। एक और चीज़ है, व्हाट्सएप में जैसे अनसेंड मैसेज का फीचर है, तो iOS का जो अपना नेटिव मैसेज ऐप है उसमें क्या है कि आप एडिट कर सकते हैं। जैसे आपने मैसेज भेज दिया और आप भूल गए, या फिर आपको याद आया, 10-15 मिनट का लिमिट है, टाइम लिमिट है, आपको याद आता है कि आपने गलत मैसेज किसी कहीं भेज दिया, तो आप जा करके वहाँ एडिट कर सकते हैं। मतलब अनसेंड तो कर ही सकते हैं, बट अगर चाहें तो उसी मैसेज को एडिट भी कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा फीचर है। पता चलेगा कि आपने एडिटेड कहीं, पता तो चलेगा, हाँ पता तो चलेगा, बट अगर फर्स्ट प्लेस पे वो देख रहे हैं तो उन्हें नहीं पता चलेगा, हो सकता है कि 5-10 मिनट के बाद उन्होंने देखा ही, तो फिर नहीं पता चलेगा कि आपने क्या एडिट किया है, क्योंकि वहाँ ट्विटर या फेसबुक की तरह एडिट हिस्ट्री नहीं बनेगी, क्योंकि ट्विटर और फेसबुक पे अभी जो फीचर है ना एडिट का, एडिट हिस्ट्री बन जाती है कि आपने पहला पोस्ट जो किया था वो ये आपका कॉन्टेंट क्या था।
फीचर्स तो काफी सारे पूरे हो गए नहीं पूरे तो नहीं पूरे तो बताया भी नहीं जा सकते इतने छोटे मतलब वो छोटे एक जैसे एक और फीचर है कि अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो आप साइड बाय साइड जैसे कोई भी ऐप कोई सफारी पे कुछ आप यहाँ स्क्रॉल कर रहे हो लैपटॉप में सॉरी तो लैपटॉप वाली चीज यहाँ आपके फोन में ही आ जाएगी आप यहाँ भी उसको एज इट इज स्क्रॉल कर पाओगे वो सफारी का फीचर है जो 16 में दिया है इन्होंने iOS 16 में दिया है। इसके अलावा कई छोटे इम्प्रूवमेंट्स भी हैं जैसे कि ये जो लॉक स्क्रीन का जो शटर होता है ना ऊपर ये आप करके देखो तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है आपका लगता है कि फ्लैप नीचे आ रहा है और इसमें अगर आप देख पाए हाँ डार्क हाँ ये जो है ना ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट आता है अंदर ये है ना ये बहुत छोटा सा फीचर है बहुत बट कॉमन अच्छा फीचर लगा मुझे। और फॉर एग्जांपल इमोजीज कई सारे आए हैं जैसे वॉलपेपर पे आप पूरी की पूरी इमोजीज ही रख सकते हैं अगर आपको चाहिए वॉलपेपर पे इमोजीज रखना तो पूरा इमोजीज रख सकते हैं टोटल हाँ मतलब बहुत सारे इसमें सेट इमोजीज हैं और वो उसी हिसाब से एडेप्टिव फीचर्स हैं जैसे कि कुछ ये इसका कलर जो है उस हिसाब से चेंज हो जाएगा आपका क्लॉक का कलर है उस हिसाब से विजेट के जो कलर्स हैं वो भी उस हिसाब से थोड़ा फन एलिमेंट ज़्यादा जैसे कुछ लोग चाहते हैं लाउड वॉलपेपर रखना कलरफुल वॉलपेपर रखना तो उनके लिए ये फीचर बढ़िया है। तो बेसिकली इस बार के जो फीचर्स रहे हैं वो तीन चार ऐसे फीचर्स हैं लॉक स्क्रीन या फिर आपका मैसेज सेंड करने वाला या फिर फोटो वाला मुझे मतलब अभी तक का सबसे फेवरेट इस बार का लगा क्योंकि लॉक स्क्रीन तो ऐसे हमने एंड्रॉयड में देखे हैं बट ये वाला फीचर जो फोटो उठा करके बिल्कुल यहाँ से वहाँ भेज देना वो फीचर मैंने एंड्रॉयड में अब तक नहीं देखा देखा भी है तो फुल प्रूफ नहीं होता। चलिए आपको आपने यूनिक फीचर्स बता दिए जो आपको पसंद आया वो भी बता दिया लेकिन अब मुझे ये बताइए मैंने तो नहीं किया डाउनलोड तो आपको नुकसान होगा क्योंकि मुझे नुकसान हाँ क्योंकि नुकसान इसलिए होगा क्योंकि अभी जो कई सारे सपोर्ट अभी मिलते हैं ना अभी जो 16 के साथ ऐप सपोर्ट मिलेंगे ना तो कई फीचर्स आप में धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे तो एक दो साल के अंदर आप बहुत सारे फीचर्स यूज ही नहीं कर पाओगे तो आपको करना ही होगा। पर अगर डाउनलोड करने का कोई नेगेटिव साइड भी है नेगेटिव साइड कुछ नहीं अगर आपने काफ़ी पुराने फ़ोन में किया है या फिर फ़ोन की स्पेस पूरी भरी पड़ी है आपका फ़ोन स्लो होता जा रहा है बैटरी पावर बची नहीं है तो उसमें आप करेंगे तो थोड़ा सा फील होगा आपको कि स्लो हो रहा है या फिर लैग कर रहा है बट अगर आपका फ़ोन नया है या फिर मेमोरी पूरी है फ़ोन में बैटरी परसेंटेज अच्छा है तो नया से क्या मतलब कौन से नंबर तक के आईफोन को आप कहेंगे कि ठीक ठाक एट के बाद का जितना आईफोन है ना उसके बाद तो 8, 10, 11, 12, 13 इनमें तो ठीक चलेगा 8 से पहले भी अगर मैं उस दिन भी मुझे याद नहीं था अभी 7 में पता नहीं दिया है इन्होंने नहीं दिया बट अगर सॉरी दिया भी होगा ना तो उतना अच्छा नहीं होगा चलेगा नहीं क्योंकि 7 काफ़ी पुराना हो चुका है और अभी के फीचर्स काफ़ी उस हिसाब से ज़्यादा हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ जो लोग सोच रहे हो कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलेगा या नहीं मिलेगा क्योंकि आईफोन 14 के साथ अनाउंस किया गया ना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यानी डिस्प्ले आपकी कभी ऑफ नहीं होगी हल्का सा लिट रहेगी जैसे एंड्रॉयड में मिलता है तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सॉफ्टवेयर फीचर नहीं है वो हार्डवेयर फीचर है तो 14 अगर आप नहीं लेंगे तो वो फीचर आपको नहीं मिल रहा है आपको लॉक स्क्रीन से ही सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा। मैंने हम काफी सेटिस्फाइड है कोई प्रॉब्लम नहीं है इतने में इतना ही काफी है। सही बात है क्योंकि 14 का कई सारे फील्स तो मिली जा रही है और 13 फर्क भी तो होना चाहिए ना कंपनी कैसे सेग्रीगेट करेगी आपका अगर इस अपडेट में आपको अपने पुराने हार्डवेयर में ही सब कुछ मिल जाएगा तो फिर लोग खफा है 14 लेंगे ही क्यों। बिल्कुल सही बात है। चलिए उम्मीद करते हैं आपने डिसीजन ले लिया होगा कि आपको डाउनलोड करना है या नहीं। मैं भी सोच रही हूँ कि रात को एक बार लगा ही देते हैं फ़ोन कर लेते हैं डाउनलोड क्योंकि नॉन फैन बॉय ने कह दिया है कि अच्छा है तो उसको लगा ही लेते हैं। ठीक है फिलहाल आपसे ये कहना चाहेंगे कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें साथ ही आज तक को सब्सक्राइब करें और iOS 16 के सारे फीचर्स आपको आज तक .in की वेबसाइट पर मिल जाएंगे हमने लिस्ट करके एक एक बता दिए आज तक .in वेबसाइट खोलिए टेक सेक्शन पर जाइए और वहाँ सब डिटेल से पढ़ लीजिए।